रीट एग्जाम को रद्द करने की बात करी थी, बहुत बड़ी धांधली हुई थी। पेपर मार्केट के अंदर एग्जाम होने से पहले बिक गए थे, बहुत बड़ा गिरोह पकड़ा गया, उसके तार सीएमओ से जुड़े थे, बड़े आला अधिकारी और मंत्रियों का इन्वॉल्वमेंट था। और हमने रीट को रद्द करने की बात करी और सीबीआई जांच की मांग करी, एसओजी जांच कर रही थी। चूंकि मिनिस्टर आईएएस अधिकारियों का रोल था तो एसओजी स्टेट की एजेंसी है, वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, इसलिए हमने सीबीआई जांच की मांग करी। लेकिन सरकार को लगा कहीं सीबीआई मामला हाईकोर्ट के अंदर भी चल रहा था, सरकार को लगा कहीं सीबीआई के अंदर मामला चला गया या जो नौजवान आंदोलित है राजस्थान का, बहुत बड़ा आक्रोश नौजवानों के अंदर था, लोकसभा विधानसभा का सत्र में आने वाला था, तो सरकार ने लेवल टू को निरस्त किया, जबकि लेवल फर्स्ट का एग्जाम भी हुआ था। हम ये चाहते पूरी रीट का एग्जाम रद्द हो, उन्होंने एक एग्जाम रद्द करके सीबीआई जांच से बचने का रास्ता निकाला है। हमारा आंदोलन जारी रहेगा, हम चाहते हैं रीट का लेवल फर्स्ट भी रद्द हो और सीबीआई जांच हो। इस मामले को विधानसभा के अंदर आरोपी पुरजोर तरीके से ऊपर उसमें उठाएगी और हम आज पूरे राजस्थान के अंदर प्रदर्शन भी किए, आवश्यकता पड़ी तो बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर हम लोग करेंगे। राजीव गांधी जी के नाम से थी, उसके संरक्षक मुख्यमंत्री जी खुद और उनके मिनिस्टर और सारे लोग थे, उसके ज्यादातर जो पदाधिकारी थे वो कांग्रेस के पदाधिकारी उस एनजीओ के। और सबसे बड़ी बात की जहाँ पे इन्होंने पेपर जहाँ से छपवाया, पेपर जहाँ से बनवाया, वो आरटेट के एग्जाम के अंदर फॉल्ट थी, पहले ब्लैक लिस्टेड करने की बात थी, उसी को दिया गया जानबूझ। बड़ा पैसा पहले ही बड़े पैसे का लेन देन हो गया, वित्तीय घोटाला हो गया था और सरकार की बहुत बड़ी किरकिरी पूरे देश के अंदर हुई। मामला सीबीआई जांच अगर इस मामले को दूध का दूध पाए, इसमें कई मंत्री और अधिकारी जेल जाता है, ये अधिकारी और आरएलपी पार्टी इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। रीट के जो लेवल फर्स्ट है उसको भी रद्द करें और सीबीआई जांच करें, इसको लेकर हम बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर दोबारा नए सिरे से करें।